वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस की चलो पंजाब सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत, वेलकम जी आयन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंजाब से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चंस अबाउट पंजाब। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब को मुगल एज में, मुगलों के समय में पंजाब जहां हम रहते हैं उसे बोला जाता है था सूबा ए लाहौर बोला जाता था मुगलों के टाइम पे पंजाब को। स्टेट स्पोर्ट, अगर स्टेट स्पोर्ट की हम बात करें तो पंजाब की स्टेट स्पोर्ट कबड्डी है। स्टेट बर्ड बाज पंजाब का स्टेट बर्ड है। स्टेट एनिमल पंजाब का ब्लैक बक है। और स्टेट ट्री पंजाब में टाली को बोला जाता है, उसे शीशम भी कहा जाता है। एंशियंट नेम, जैसा कि हम जानते हैं पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम से जुड़ा है, तो सतलुज का पुराना नाम था सतलुज का पुराना नाम था। ब्यास को बे भी बोला जाता था और विपस भी बोला जाता था। रावी को इरावती बोला जाता था। कहीं पे आपको आई से मिलेगा, कहीं पे आपको ए से भी मिल सकता है इरावती। चिनाब को बोला जाता था चंदर भगा। जेहलम को बोला जाता था वितास्ता। तो पंजाब को मुगलों के टाइम पे सूबा लाहौर, पंजाब का जो स्टेट स्पोर्ट है वो कबड्डी, स्टेट बर्ड बाज, स्टेट एनिमल ब्लैक बक, स्टेट ट्री टाहली और एंशियंट नेम सतलुज का शतुद्री, ब्यास बे और विपस, रावी इरावती, चिनाब चंद्रभगा, जेहलम वितास्ता। और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, पेप्सू। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है। पेप्सू की जो फुल फॉर्म है वो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन है। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पेप्सू की फुल फॉर्म है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में टोटल पेजेस या अंग हैं 1430, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कब कंप्लीट हुए थे, कौन से साल में, 1604 CE कॉमन एरा 1604 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को कंप्लीट किया गया था। 14th क्वेश्चन में पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, ये कपूरथला जलंधर रोड कपूरथला में है। बहुत बार पंजाब से जुड़े जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खालसा हेरिटेज सेंटर पंजाब में श्री आनंदपुर साहिब जी में है। और मिर्ज़ा साहिबा, किस्सा है मिर्ज़ा साहिबा, ये लिखी थी पीलू ने। और जंगनामा सिंघा ते फिरंगियाँ, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, पंजाब ही नहीं पूरे देश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। ये है शाह मोहम्मद ने लिखी थी जंगनामा सिंघा ते फिरंगियाँ। उसके बाद लेजेंड्स ऑफ पंजाब, अक्सर हमें ये लगता है कि लेजेंड्स ऑफ पंजाब है ये बुक किसी पंजाबी ने लिखी होगी, तो ये बुक लिखी थी सर रिचर्ड सी टेंपल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइस मैन किसे बोला जाता है, तो राइस मैन बोला जाता है पंजाबी डॉक्टर गुरदेव खुश जी को राइस मैन बोला जाता है। पंजाब दी कोयल नाम से फेमस हैं सुरेंद्र कौर जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पंजाब से जुड़े हैं, जो हम सबको पता होने चाहिए, और अगर हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हमारे माइंड में ये 20 क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए, पंजाब से रिलेटेड हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।